औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ से लगातार कंपनियां रातों रात फैक्ट्री को ताला लगाकर को चक्कर हो रही है और इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर आ रहे हैं। इसी के चलते ताजा मामला नालागढ़ के तहत दादी भोला गांव का है, जहां पर एक मशीनों के टूल्स बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा भी रातों रात कंपनी को ताला लगा दिया गया है और कंपनी प्रबंधन समेत मैनेजमेंट रफू चक्कर हो गए हैं और हर रोज मजदूर कंपनी में आते हैं और गेट पर ताला और नोटिस देखकर कंपनी के गेट पर रोष प्रदर्शन करने को मजबूर है। इसी के चलते मजदूरों ने कंपनी के गेट पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और लेबर कोर्ट नालागढ़ में जाकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मजदूरों का कहना है कि अगर कंपनी मालिक द्वारा कंपनी को बंद करना है या अन्य किसी जगह पर ट्रांसफर करना है तो करे, लेकिन जितने भी मजबूर है उनका फुल एंड फाइनल हिसाब किया जाए। मजदूरों का कहना है कि 65 के करीब मजदूर इस कंपनी में पिछले 12-15 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने एकदम से नोटिस लगाकर फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब सभी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। अब उन्हें अपने घर परिवार के पालन पोषण की भी चिंता सताने लगी है। फिलहाल मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उनका फुल एंड फाइनल हिसाब नहीं किया गया तो वह कंपनी के गेट के बाहर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की होगी। ये हमारा 15 तारीख को इन्होंने गेट बंद कर दिया बिना नोटिस के। हमारा केस चला हुआ नालागढ़ लेबर इंस्पेक्टर के पास जी। वहाँ पे 10 तारीख को बोला गया, 2 पैसे हो गए, उसके बाद 10 तारीख का टाइम दिया गया। 10 तारीख के बाद अब अचानक सोमवार को इन्होंने गेट बंद कर दिया। हम सब का हमारा अंदर जाना मना कर दिया है, ना हमारा हिसाब दिया है ना कुछ। और हम यही चाहते हैं कि हमारा हिसाब दे, अपना जो मर्जी करे, हमें नहीं पता जी। कम से कम 60-65 आदमी है जी, कैजुअल विद कंपनी। आगे जी हमें कुछ करना नहीं है, हमारा बस हिसाब चाहिए, जो हमारा हिसाब कर दे बस हम अपना साइड हो जाएंगे। आज कास्टिक में काम कर रहे, पहले नाम चेंज कर दिया इन्होंने, पहले तो ऑटो में काम कर रहे थे, फिर ऊपर कर दिया, फिर उसके बाद नाम फिर से दोबारा चेंज कर दिया जी। इन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया जी सोमवार से, आज से ही इन्होंने नोटिस वगैरह लगा दिया और आज से गेट बंद कर दिया, अंदर जाना भी बंद कर दिया हमारा जी। कंपनी के अंदर तो पहले ही ताले लगे हुए हैं, गेट के अंदर बैठते थे वो भी बंद कर दिया इन्होंने जी। हाँ जी, वो तो 15 तारीख को उन्होंने हमारा क्या कर दिया, तो उसके बाद वो आ ही नहीं रहे जी। 19 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया, जब 16 तारीख को पेशी थी उसके बाद वो आए ही नहीं। 16 के बाद 20 को पेशी, उसके बाद 25 को, उसके बाद अब 10 तारीख की पेशी है। बोलते हैं हमारे पास ऑथराइज केस के ही नहीं है कि हम ऑथराइज करें, बोलते हैं उधर से आएंगे, उधर से आ ही नहीं रहे जी। तकरीबन 60-65 है जी। आप सभी को जो है आपका पैसे मिल गए हैं, सैलरी वगैरह मिल गई है? सैलरी कुछ भी नहीं अभी आई जी, अभी दिसंबर महीने की सैलरी यही मांग करते हैं ये कि हमारा करो जो जल्दी से जल्दी करो, हम कुछ और करें अपना। ये कास्ट आयरन के नाम से कब से काम कर रहे हैं? हम हो गए 10-12 साल हो गए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम जी? ऐसे ही बिना नोटिस से 15 तारीख को बोला कि कंपनी बंद हो रही है, 19 तारीख को नोटिस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हमने उधर लेबर कोर्ट गए तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख को पेशी है, फिर 22 के बाद 25 को बोला, फिर उसके बाद 10 तारीख की डेट दे दी। अब रात को आते हैं नोटिस चिपका के चले जाते हैं, सवेरे देखते हैं तो अलग से नोटिस होता है। कंपनी का कोई मैनेजमेंट का कोई भी नहीं आता जी, ना HR आता है ना GM आता है, सिर्फ सिक्योरिटी वाले करते हैं, जो कुछ वहाँ से फ़ोन कर देते हैं और ये चिपकाते हैं। ये तो महीना रख लो जी, महीना हो गया। हम ऐसे चाहते हैं जो भी हमारा बनता है वो चाहिए, और जो अभी इन्होंने बंद की उस टाइम से जो हाजिरी लग रही है उसका हिसाब था जी, और बिना नोटिस से इन्होंने कंपनी बंद करी तो उसका 3 महीने की सैलरी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हमें महीना हो गया सर। हाँ जी, रेगुलर आते हैं। आज 1 तारीख से 2 तारीख से इन्होंने गेट बंद किया, क्योंकि अंदर गेट के अंदर जाना ही नहीं है बिल्कुल नहीं। हाँ जी, पिछले 12-13 साल से एमटेक ग्रुप के साथ था, काम कर रहा था। 15 तारीख के बाद से जो है इन्होंने बिना बताए रात को नोटिस लगा दिया, उसके बाद हमने उसी दिन केस कर दिया। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को नोटिस लगाया, उसके बाद हमारा केस चल रहा था, तो ना तो कोई मैनेजमेंट का बंदा यहाँ आता है, ना ही फुल एंड फाइनल का कोई है इनका वो।
अब हमारे इतने साल हो गए, हमें तो ना तो मतलब ट्रांसफ़र के लिए बोलते हैं और ना प्रॉपर तरीके से, ना कुछ इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। हमारा तो फुल एंड फाइनल दें एज़ पर हमारी एक कंपनी का, इसके बीच में ही फुल एंड फाइनल हुआ है, हम तो कहते हैं एज इट इज़ उसकी तरह हमारे को ये फुल एंड फाइनल दे दें और क्लोज कर दें इस मैटर को। और मैनेजमेंट में से कोई बंदा नहीं आता, और रात को नोटिस लगा दिए जाते हैं और सुबह गेट बंद कर दिया जाता है। कल आज किसी ने भी कोई बात नहीं, कोई बंदा कोई तरीके से बात नहीं कर रहा, ना ही कोई चीज़ समझा पा रहा सही तरीके से। मैनेजमेंट को कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो ऐसा लगता है। और इतने लड़कों का भविष्य जो है इनकी वजह से ख़राब हो रहा है, महंगाई है, सब कुछ है। अगर ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं तो कोई अलाउंसेस नहीं है उसमें, कुछ भी कोई ट्रांसफ़र अलाउंसेस वगैरह नहीं है। और ना ही एक यहाँ से गुड़गांव के लिए बोल रहे हैं तो ए ग्रेड से, मतलब डी ग्रेड सिटी से ए ग्रेड में भेज रहे हैं, उसमें भी प्लांट हेड यहीं बोल रहा है कि आप लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो हमें वहाँ क्यों भेज रहे हैं, यहीं टर्मिनेट करें, एज़ पर हिसाब हमारा दें। हमारी तो सरकार से अनुरोध है और डिपार्टमेंट से, जो भी लेबर लॉ है, जो भी मतलब हिमाचल का कानून है, उस बेस के हिसाब से हमें हमारा हिसाब पूरा मिलना चाहिए। जो वीरस बनती है तो वीरस दिलवाएं, अगर हमारा कंपनसेशन अमाउंट बनता कंपनसेशन अमाउंट दिलवाएं, जो भी है वो दिलवाएं हमें। कितने समय से आपकी मैडम? हम सारे 13-13 हैं। सैलरी तो मैडम हमारी नवंबर तक की आई हुई है, दिसंबर से पेंडिंग है, बिना बताए ही बंद कर दी गई है। और कम से कम पहले बता दिया जाए तो, कोई भी नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमें इन्होंने, ये चीज़ बंद की है, एकदम से बंद कर दी गई है। और मैडम एक इनको 16 साल हो गए काम करते हुए कंपनी में, मेरे को 13 साल हो गए, 12 साल से है मैडम यहाँ पर। अब गुड़गांव में डी ग्रेड, ये दी से ए ग्रेड सी डी सीधा NCR में ट्रांसफ़र करेंगे तो अलाउंसेस तो मैडम डबल चाहिए ना सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए वो राजी नहीं है जी बिल्कुल भी। हम तो कह रहे हैं कि हमें टर्मिनेट कर दें। हाँ बिल्कुल गए मैडम, मैडम वो डेट देते हैं वो आते ही नहीं है जी मैनेजमेंट, उन्होंने लास्ट टाइम एक वकील भेज दिया था बस।